नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इन्फिनिक्स नोट 45G वर्सेस वीवो T3X का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 6.52 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2.99 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो दोनों फोन में सेम ही 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो नोट 40 में 185 ग्राम जबकि T3X में 199 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि नोट 40 से ज्यादा है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो नोट 40 में फ्लेक्सिबल एमोलेड जबकि T3X में LCD की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो नोट 40 में 6.78 इंचेस जबकि T3X में 6.72 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन नोट 40 में 1080x2436px FHD+ और T3X में 1080x2408px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो नोट 40 में 86.99% जबकि T3X में 86.58% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो दोनों फोन में सेम ही 393 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो नोट 40 में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, सेकेंडरी कैमरा और आखिर में थर्ड कैमरा देखने को मिलता है। और T3X की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो नोट 40 में 11 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और T3X की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो नोट 40 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और T3X में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो नोट 40 में IMGBXM8-256 जबकि T3X में Adreno 710 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो नोट 40 में MediaTek Dimensity 7020 और T3X में Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 मिलता है। बात करें RAM की तो नोट 40 में 8GB की RAM मिलती है जबकि T3X में 3 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 4GB, 6GB, 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो नोट 40 में 256GB जबकि T3X में 128GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो नोट 40 में अप टू 2TB जबकि T3X में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V14 देखने को मिलती है। बैटरी नोट 40 में 5000mAh जबकि T3X में 6000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो नोट 40 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जो कि 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 19,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें T3X की तो उसमें 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 13,499 रुपीस, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 14,999 रुपीस, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 16,499 रुपीस में मिलते हैं।
दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो इन्फिनिक्स नोट 45G में 7 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें वीवो T3X की तो उसमें 8 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में नोट 40 आगे है, मेन कैमरा में नोट 40 आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में नोट 40 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 12 5G है, दूसरा Oppo A3 Pro 5G है, तीसरा OnePlus Nord CE 4 Lite 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Moto G85 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।